मॉक टेस्ट अलग अलग टाइप के डिस्कस किए और आज का ये जो सेशन है इसमें भी एक बहुत ही मजेदार मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ और एकदम टिपिकल आरबीआई का जो प्रिलिम्स एग्जाम होता है उसी लेवल का उसी टाइप के क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हम रीडिंग uh, कॉम्प्रिहेंशन का भी एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे पेराजम्बल सोल्व करेंगे फिलर्स के कुछ क्वेश्चन हैं एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन है स्पेलिंग एर वाले क्वेश्चन और वर्ड वॉपिंग वाले क्वेश्चन जो आपके बैंक एग्जाम्स में आजकल देखने को मिलते हैं तो आज की ये जो एक्सरसाइज है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी कल आखिरी दिन होगा एग्जाम के पहले तो आपको आप सभी को आप पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से इस एग्ज़ाम की तैयारी में आप सब लोग लगे हुए हैं एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एक्साइटेड है रेडी है तो ये जो हमारी प्रैक्टिस है यही प्रैक्टिस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली है आपके इंग्लिश में थर्टी में से थर्टी स्कोर करने में तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं कैसे है सब लोग आई ऑल ऑफ सब की पढ़ाई अच्छे से चल रही है तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सब लोग और जो नए बच्चे आ रहे हैं आप सभी का स्वागत है मंडे टू फ्राइडे दोपहर को बारह बजे हमारी ये क्लासेस होती है सो मेक श्योर कि आप रेगुलरली इन सेशन में आते रहिए और जुड़ते रहिए ओके okay, तो पहला सवाल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा माई फादर इज थिंकिंग दैट आई शुड लर्न अ फॉरन लैंग्वेज सो दैट आई कैन स्टडी अब्रॉड शालिनी का आंसर ए आ गया है बाकी लोग अच्छा सब लोग ए आंसर तो कर रहे हैं लेकिन लॉजिक गलत हो रहा है इज़ थिंकिंग की जगह वॉज थिंकिंग आएगा ऐसा सोच रहे हैं सब लोग अभी लकीली आपका आंसर सही होगा लेकिन लॉजिक गलत है ध्यान दीजिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन का मतलब ऐसी क्रियाएं जो आपको नेचुरली आती है उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो होती है जैसे थिंक हो गया स्मेल हो गया टेस्ट हो गया, पील, लव, हेट, है ना? तो ये सारे जो ऐसे वर्ब्स हैं ये, है, ये नेचुरली होती है मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती जैसे मान लीजिए कि टेस्ट आपने कुछ मीठा खा लिया जैसे केक खा लिया तो केक की जो मिठास है वो ऑटोमेटिकली आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं आपके टेस्ट बर्ड्स के ऊपर ही वो होता है है ना सो so, आप क्या बोलते हैं दिस केक टेस्ट्स स्वीट ऐसे हम बोलते दिस केक टेस्ट्स स्वीट दिस केक इज टेस्टिंग स्वीट नहीं बोलते कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं इसको है ना तो so, सिमिलरली ये जो थिंक वर्ड है जब आप बेसिकली क्या नेचुरली सोचते हैं मेरे पिताजी ये सोचते हैं कि मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि मैं जब बाहर जाऊं अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए तो आसानी होगी तो थिंक ये जो वर्ब है ना ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिखते ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाए माई फादर इज थिंकिंग जगह लिखते हैं माई फादर थिंक्स मेरे पिताजी ये सोचते हैं बार बार सोचते हैं उनका ये थॉट प्रोसेस है माई फादर थिंक्स दैट आई शुड लर्न अ फॉरन लैंग्वेज ऐसा सेंटेंस बनेगा इज थिंकिंग जगह वॉज थिंकिंग मत करना तो वो लॉजिक गलत हो जाएगा समझ में आई बात सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है ये जो वर्ब ऑफ कॉग्निशन है इन सबके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस बनाते हैं क्लियर इज दिस क्लियर चलिए अगला सवाल देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं से, सेशन में एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए गाइस ऑल द पेंटिंग्स पेंटेड बाई पिकासो आर इंटरेस्टिंग दे मे और मे नॉट हैव अफिक मैसेज बट दिस वन इज द मोर इंटरेस्टिंग के साथ क्यों जा रहे हैं सब लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट तो सही है ऑल द पेंटिंग्स ऑल द पेंटिंग्स का मतलब जितनी भी पेंटिंग्स पिकासो के द्वारा पेंट की गई है पिकासो ये बहुत ही फेमस पेंटर थे पाब्लो पिकासो है ना सो ऑल द पेंटिंग्स के साथ यहाँ पर आर जो है वो चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है जितनी भी पेंटिंग्स है वो सारे की सारी इंटरेस्टिंग है आर की जगह इज आएगा ये लॉजिक गलत है क्योंकि ऑल द पेंटिंग्स ये प्लुरल सब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगा और प्लुरल वर्ब यानी कि आर करेक्ट है तो ए आंसर जिन्होंने मार्क किया है उनका आंसर गलत हो जाएगा पूरा सेंटेंस पढ़िए दे मे और मे नॉट है या नहीं भी है बट दिस वन लेकिन ये वाली जो पेंटिंग है इज द मोर इंटरेस्टिंग नहीं द मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वाली है द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगता है और उसके बाद फिर आप एडजेक्टिव लिख सकते हैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग यहां पर डी पार्ट में एरर मिलता है हमें फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑल इज वेल नहीं ऑल यहां पर प्लोरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया गया है ऑल द पेंटिंग्स ऑल द पीपल जैसे अगर आप सेंटेंस ऐसे बनाइए देखिए ऑल द पीपल जितने भी लोग हैं वो सारे इज हैप्पी बोलेंगे या आर हैप्पी बोलेंगे आप ही सेंटेंस बना के देखिए all the people is happy बोलते हैं या all the people are happy बोलते हैं are बोलते हैं ना तो all ये जब प्लुरल countable नाउन के साथ आता है तो प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल होता है r आपके दिमाग में ये जो all is well चल रहा है ना वो वाला all जो है वो एवरीथिंग के लिए यूज करते एवरीथिंग इज वेल एवरीथिंग इज वेल एवरीथिंग इज फाइन तो एवरीथिंग जब ये वर्ड आता है तब आप उसके साथ इज लगाते हैं और ये एवरीथिंग को कभी-कभी ऑल -कभी बोल के बोला जाता है लेकिन हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर रहे हैं इस वाले सेंटेंस में अलग तरीके से आया है पेंटिंग्स के साथ आया है और पेंटिंग्स ये प्लूरल होने के वजह से ये वर्ब भी प्लूरल ही आएगा आर यहाँ पर चलेगा कोई दिक्कत नहीं है जिन्होंने ए आंसर मार्क किया है सिली मिस्टेक हो गई जल्दबाजी में आंसर मार्क कर दिया पूरा सेंटेंस अगर पढ़ते तो पता चलता कि सर द आर्टिकल के बाद तो मोस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल का एरर था सिंपल सा एरर था और यहाँ पर जल्दबाजी में आंसर गलत हो गया इतनी बार बोला है सेंटेंस को पूरा पढ़िए अगर आपको ए पार्ट में एरर लग भी रहा है तो होल्ड ऑन करिए बी सी डी पार्ट जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक आंसर मार्क मत करना एग्जाम में भी ठीक है चलिए अगला सवाल ये थोड़ा ट्रिकी है The minister wanted certain student to make an entry into the principal's chamber for discussing their academic performance. सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया कोई मिनिस्टर है वांटेड वो ये चाहते हैं सर्टन स्टूडेंट टू मेक एन एंट्री इनटू द प्रिंसिपलस चेंबर प्रिंसिपल सर के प्रिंसिपल मैडम के चेंबर में एंट्री करना क्या करने के लिए फॉर डिस्कसिंग देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को डिस्कस करने के लिए प्रिंसिपल के चेंबर में एंट्री करो ऐसा कोई मिनिस्टर है जो चाहते हैं ठीक है नाउ

कि देयर के जगह आपको हिज लिखना है आप बोलेंगे सर स्टूडेंट एक भी तो हो सकता ना कि एक बच्चे को बोला है कि प्रिंसिपल साहब के केबिन में जाओ चेंबर में जाओ और डिस्कस करो तो आप बोलेंगे सर देयर के जगह हिज आ जाएगा तो डी पार्ट में एरर मार्क करते बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट को देख के अगर यहां पर देयर के जगह हिज होता तो भी ए पार्ट में सर्टन स्टूडेंट के पहले फिर अनसर्टन स्टूडेंट ओके साथ आर्टिकल ए के साथ लिखना बहुत जरूरी हो जाता द मिनिस्टर वॉन्टेड कोई एक स्टूडेंट जो है वो सर्टन स्टूडेंट जो है टू मेक एन एंट्री इन टू द है कि आपका ये जो देर है ये हिज होता तो भी ए पार्ट में एरर है और ये देर होता तो भी ए पार्ट में एरर है मतलब समझ रहे हो मतलब ये है कि हमें ए पार्ट में एरर मार्क करना है ना कि डी में तो डी को देख के हम ए में चेंजेस कर सकते हैं और यहां पर फिर आप ऑप्शन नंबर ए को आप मार्क करेंगे एज यू करेक्ट आंसर तो बहुत सारे बच्चे उल्टा सोचते हैं सोचते हैं कि सर ये स्टूडेंट सिंगुलर है इसको सिंगुलर रखते हैं और ये देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस की जगह हिज कर देते हैं और ये सोच के डी में आंसर मार्क करते हैं यानी कि फोर्थ ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं जो कि गलत आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि इसको हिज कर दिया तो भी आर्टिकल का एरर तो रह ही जाता है ना ये आर्टिकल लगाना जरूरी पड़ेगा यहाँ पर तब जाके वो सेंटेंस सही बनेगा इज दिस क्लियर तो सभी एंगल से देखना पड़ता है सभी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है तब जाके आंसर मार्क करते हैं

तो यहां पर देखिए बेटर के बाद में टी एच एन वाला, देन नहीं लगाते। एच ए एन वाला दैन लगता है यानी कि में एरर है है आपका आपका सही when it comes to, ये आपका एक फ्रेज होता है। और वेन इट कम्स टू के बाद हमेशा आई एन जी लगा के तो प्लेइंग सही लिखा हुआ है कुछ लोग बोलेंगे सर when it comes to play होगा क्या नहीं when it comes to के बाद हमेशा लगता है ए पार्ट में एरर नहीं है वहां पर बी पार्ट में एरर हमें मिल जाता है ठीक है नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन

3 जवान है ना तीन जवानों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल ही है पहले प्रिपोजिशन के पहले तीन जवान है यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इनके साथ वेयर जो प्लूरल वर्ब है ये चलेगा वेयर किल्ड पैसिव वॉइस में है ये भी चलेगा क्योंकि तीन जवान मारे गए किसने मारा आईईडी ब्लास्ट ने मारा तो जवान पैसिव है तो वेयर किल्ड पैसिव वॉइस चलेगा नाउ यहां पर ऑन ट्यूसडे देखिए टाइम ऑफ रेफरेंस आ गया पास्ट का टाइम ऑफ रेफरेंस जब आता है तो इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये टेंस के concept में हमने पढ़ा हुआ है और अगर आप सारे वर्ब को देखेंगे किल्ड जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का ही पैसिव वॉइस है क्योंकि ट्यूसडे को ही मारे गए एंड दूसरा वाला जो वर्ब है टेन अदर्स वेयर इंजोर्ड ये भी सिमिलर टाइप का सिंपल पास्ट टेंस वाला ही पैसिव वॉइस वाला वर्ब आ गया मतलब हमारे टाइम ऑफ रेफरेंस के साथ जो सिंपल पास टेंस की जरूरत है वो यहाँ पर दोनों जगह पर पूरी हो रही है तो टेंस का एरर तो नहीं है थ्री जवान्स के साथ वेर चलेगा ये कंजंक्शन है एक्स्ट्रा जानकारी देता है टेन अदर्स टेन अदर्स यानी कि दस और लोग ये भी प्लुरल है और इसके साथ वेर प्लुरल चलेगा यानी कि दूसरा वर्ब भी सही है एन आर्टिकल का यूसेज देखिए आई ईडी ब्लास्ट आई ईडी में आ का उच्चार है, है यानी किल आर्टिकल, आर्टिकल भी चलेगा करेक्ट तो है अभी या तो आपका आंसर नो एर हो सकता है क्योंकि कोई एरर ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है या द आर्टिकल लगेगा ऐसा ए सेंटेंस में लग सकता है द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थ्री जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड तो कुछ लोग ए के साथ भी जाते हैं आर्टिकल द के बारे में सोच के और कुछ लोग नो एरर के साथ जाते हैं क्योंकि कोई ऑब्वियस एरर नहीं है लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये कोई वन ऑफ अ काइंड चीज नहीं है इसलिए द आर्टिकल की आवश्यकता यहाँ पर नहीं महसूस होती थ्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट गार्ड की जरूरत नहीं है थ्री ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ये बिल्कुल चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो वेयर किल्ड करेक्ट है बाकी सब करेक्ट है तो मेरे ख्याल से नो एरर का जो ऑप्शन है प्रज्वल ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही जा रहे हैं यस yes. आशु ने भी सही जवाब दिया है टेन अदर इज रॉन्ग नहीं नहीं टेन अदर्स टेन अदर्स यानी कि दस और लोग दस और लोग अदर्स में एस लगेगा बिना एस के अगर अदर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा अजय ठीक है सो नो एरर इसका सही जवाब बनता है वेरी गुड प्रज्वल एंड आशु जिन्होंने फाइव आंसर दिया है बहुत बढ़िया ब्रिलियंट बाकी लोगों को समझ में आया सब कुछ हमने देखा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चेक कर लिया एक्टिव पैसिव वॉइस चेक कर लिया ऑन ट्यूसडे को देख के टेंस चेक कर लिया कंजंक्शन सही लिखा हुआ है 10 अदर्स के साथ वेयर इनजर्ड करेक्ट है आर्टिकल सही है पोटेंशियल एरर जहां-जहां पर हो सकते थे वो सारे वेरीफाई कर दिए और आंसर हमने मार्क कर दिया ठीक है पांच में से कितने करेक्ट हुए बताइए फटाफट से सब लोग एरर स्पॉटिंग में फाइनल स्कोर क्या रहा 3 आउट ऑफ 5 बोल रहे हैं शालिनी चलिए अगला सवाल देखते हैं Now, ये वाले इजी होते हैं स्पेलिंग एरर्स कौन सी स्पेलिंग गलत है डिपेंडेंसी बिहेवियर अनहेल्दी एक्सेसिव सेंटेंस मत पढ़िए सिर्फ हाईलाइट किए हुए वर्ड्स के ऊपर फोकस करना को डिपेंडेंसी ए एन सी वाई नहीं लगता ई एन सी वाला लगता -E 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 है सी ओ डी ई पी ई एन डी ई एन सी वाई को डिपेंडेंसी ये सही स्पेलिंग है तो ए पार्ट में ही एरर मिल जाता है वन आंसर आपका करेक्ट है सिंपल इजी वेरी गुड अगला सवाल सेम पैटर्न कैरेक्टर कॉन्शसनेस कंसाइंस भी कहते हैं कुछ लोग इसको यूनिवर्सल या फिर कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली यहां पर कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग यहां पर गलत है सी ओ एन एफ आई डी ई एन सी ई कॉन्फिडेंस डी के बाद आई नहीं लगता डी के बाद ई e लगेगा यानी कि ऑप्शन नंबर फोर आपका आंसर सही है वेरी सिंपल एंड इजी ऐसे वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इजीली बन जाने चाहिए इज़ीली बन जाने चाहिए बहुत ही आसानी से बनते हैं नेक्स्ट इन्विसाज डेटरेंस स्ट्रेटेजिक या डिस्युएड

स्ट्रेटेजिक की स्पेलिंग यहां पर सही है बिल्कुल है, का का मतलब कन्विंस करना किसी को कुछ करने के लिए और डिसुएड का मतलब है कन्विंस नहीं करना मत करो मत करो ऐसे ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी वर्ड गलत है डी वर्ड गलत है तो आप सेकेंड ऑप्शन मार्क करेंगे यहाँ पर टू आंसर इज द राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल अथॉरिटीज फोकसिंग हिचिस पॉपुलेशन कौन सा वर्ड गलत है सिंपल है ना वेरी इजी अथॉरिटीज ये वर्ड गलत है

अभी आते हैं वर्ड स्वॉपिंग पे कौन से दो वर्ड्स की पोजीशन इंटरचेंज होगी एबीसीडी में से सो so दैट हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा व्हेन द फादर हैड फिनिश्ड देयर वर्क अभी देखिए देयर है ना प्लूरल है उनका वर्क मतलब यहां पर जो वर्ड आएगा वो क्या होगा प्लूरल नाउन होगा ब्रिक मेसन ब्रिक मेस एस लगा के आ गया ना मतलब प्लूरल नाउन है ब्रिक मेसन का मतलब ऐसे लोग जो घर बनाते हैं मेसन hmm? तो वेन द ब्रिक मेसन होम फादर जिप्सी यहां पर आएगा फादर फादर जिप्सी

सेंटेंस आपके वर्ड रीअरेंजमेंट के के स्पेलिंग वाले जो आएंगे वो भी है ना आराम से थर्टी में से थर्टी बहुत ईजिली बनते हैं ऑलमोस्ट सबके बनते हैं जिनके बेसिक्स क्लियर है जिनकी ग्रामर अच्छी है वो कैबलरी मॉडरेट मीडिया लेवल की भी अगर आपकी वो कैब है तो भी आप आराम से तीस में से तीस बना सकते हैं है ना प्री बहुत आसान होता है चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट

उसकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो सी और डी इंटरचेंज होते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर सी डी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर सिंपल इजी नेक्स्ट अब देखिए स्मॉग ये क्या होता है स्मोक और फॉग जब दोनों एक साथ आते हैं तो स्मॉग बन जाता है और स्मॉग ये एक सीवियर स्मॉग हो सकता है ई वाला जो वर्ड है वो अपने जगह सही है तो ई को इंटरचेंज करने वाला ऑप्शन नंबर थ्री को हम हटा सकते हैं दूसरा स्पीड रिस्ट्रिक्ट नहीं होता क्या होता है स्पीड लिमिट होता है स्पीड लिमिट होता है यानी कि ये जो लिमिट वाला ए वर्ड है वो इधर आ सकता है और अगर ए उधर चला गया तो ये जो रिस्ट्रिक्ट वर्ड है वो इधर आएगा है ना क्या आ जाएगा रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट और उसके बाद फिर ट्रैफिक लिखेंगे रिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक रिड्यूस स्पीड लिमिट एंड सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज करेंगे यानी कि सस्ते दामों में बहुत चीप रेट्स में पब्लिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टिकट्स अवेलेबल करवा के देंगे यानी कि डी अपनी जगह सही है डी अपने जगह सही है तो डी इंटरचेंज नहीं करेंगे और सी को किसके साथ इंटरचेंज हो रहे हैं हम लोग A के साथ सी का इंटरचेंज होना जरूरी है ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर अगर ऐसे थोड़ा ट्रिकी लग रहा है क्वेश्चन तो किसी एक को अच्छे से पकड़ लो जो चेंज नहीं होगा उसको पकड़ो और उसके हिसाब से आंसर्स एलिमिनेट कर दो जैसे सब्सिडाइज भी चेंज नहीं होगा डी वाले आंसर्स को एलिमिनेट कर दिया तो ऐसे करके हमारे पास बचता है ए सी और बी सी यानी कि सी चेंज होगा और किसके साथ स्पीड और लिमिट के साथ तो यहां पर करेक्ट आंसर आंसर ए और सी ऐसे करके तक पहुंचना है है ठीक अप्रोच अलग थोड़ा सा मेंटेन करना है चलिए अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट ब्लैंक्स इंग्लिश में सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं क्लोज ऑप्शंस में बिल्कुल सही कहा अजित

द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मिलिट्री अफेयर्स की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने से उसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं बिल्कुल भी ऐसे डाउट नहीं कि अपने ऊपर लाया कि यस आई कैन डू इट मैं करूंगा है ना मिलिट्री अफेयर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा मैं अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा ये और नो सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आएगा हेजिटेट हेजिटेट ही ही डिड डिड नॉट नॉट हेजिटेट उसने ये नहीं बोला कि यार मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ उसने ऐसे हिचकिचाहट नहीं दिखाई यस मुझ मुझसे मुझ नहीं हो पाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला पोटेंशियल पूरा कर लूंगा ऐसे ठीक है बाकी परसिवियर का मतलब होता है वर्क करना मेहनत करना डिटरमाइन का मतलब तो सबको पता है अंदाजा लगाना स्टडी करना एडजुडिकेट जजमेंट देना कंक्लूड नहीं चलेगा सारे ऑप्शंस गलत है नेक्स्ट ऑपشن से आज़नर आ जाता है इजी ऑप्शंस इट इज नॉट डैश टू कलेक्ट इनकम टैक्स ऑन अ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट बेसिस इनकम टैक्स को कंसिस्टेंट बेसिस पर और रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट करना क्या नहीं है एडुकेटिव नहीं है एडुकेटिव का क्या कनेक्शन है यहाँ पर जिससे एजुकेशन मिलता है इट इज नॉट डिपॉजिट टू डिपॉजिट के बाद टू नहीं चलेगा टू डिपॉजिट होता तो शायद सोच लेते इट इज नॉट स्वॉच टू नहीं वैल्यूएबल या फिजिबल वैल्यूएबल नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि जिसकी कोई महत्व नहीं है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है नहीं इट इज नॉट फिजिबल फिजिबल का मतलब क्या होता है ये बार-बार करना ड्यूएबल नहीं है फिजिबल का मतलब होता है ड्यूएबल वायबल का मतलब होता है डुएबल जो किया जा सकता है इसलिए साल में एक बार वो विंडो ओपन करते हैं है ना टैक्स फाइल करने का टैक्स भरने का फिजिबल यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन सही जवाब ऑल ऑफ यू अगला सवाल शुड नॉट डैश और नोइंगली मिसलीड पार्लियामेंट और पब्लिक पार्लियामेंट को या पब्लिक को मिसलीड नहीं करना चाहिए मिसलीड करने का मतलब है गलत जानकारी देना नोइंगली मिसलीड मतलब जानबूझ के मिसलीड नहीं करना है और क्या नहीं करना है और क्या नहीं करना है डिलाइट नहीं करना है खुश नहीं करना है पार्लियामेंट को और पब्लिक को नहीं दे शुड नॉट डिजगस्ट नहीं डिस्गस्ट ये घिन आती है ना तब आप यूज करते हैं यहां पर डिस्गस्ट की बात नहीं कर रहे हैं प्रोफाउंड एंड वाइज ये दोनों एडजेक्टिव हैं विशेषण के तौर पर यूज किए जाते हैं और हमें शुड नॉट के बाद वी वन चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ही गलत हो जाएंगे दोनों ऑप्शन ये गलत हो जाएंगे सो so, एक ही आंसर बचता है जो कि है फॉर्म में डिसीव करना और मीनिंग भी सही बन रहा है

तो ये गलत आंसर हो जाएंगे ओके okay? यस yes. आगे बढ़ते हैं द टूरिज्म डेटा डैश दैट इंडियंस आर अमंग द बिगेस्ट स्पेंडर्स वाइल ऑन हॉलीडेज इंडियंस जब हॉलीडेज पे जाते हैं तो बिगेस्ट स्पेंडर्स में से होते हैं सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वालों में से होते हैं ये बात पता चलती है कहाँ से किसी टूरिज्म के डेटा से ये बात हमें पता चलती है टूरिज्म डेटा ये रिवील करता है ये दिखा देता है सबको शो करता है हाइड अगर करेगा तो कैसे पता चलेगा हाइड करना कंसील करना कवर करना सीक्रेट रखना ये सारे एक जैसे वर्ड हैं तो एक साथ हट जाएंगे तो रिवील यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब है सबसे आइडियल ऑप्शन Tourism data reveal that Indians are among the highest spenders or biggest spenders. Okay. Next. Astronomers have been arguing about the dash of the universe's expansion for nearly a century. यूनिवर्स हमारा एक्सपांड हो रहा है ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थियरी का कि यूनिवर्स जो है वो एक बिग बैंग थियरी से शुरू हुआ और एक्सपांड होने के स्टेट में है और एक पॉइंट के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा और सारी तबाही फिर से शुरू हो जाएगी वगैरह वगैरह है ना सो so यूनिवर्स का जो एक्सपानशन है वो एक सेंचुरी से इसके ऊपर डिबेट चल रहा है इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट चल रही है कि, कि कितने रेट से एक्सपांड हो रहा है रेट ऑफ एक्सपानशन कहते हैं ना रेट ऑफ एक्सपानशन होता है कितने रेट से एक्सपांड कर रहा है कितने रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा फेड नहीं प्राइस नहीं बोलते वेट नहीं आएगा एक्सेलरेट नहीं आएगा क्या होगा आंसर रेट ऑफ हैव बीन आर्ग्यूइंग अबाउट द रेट ऑफ एक्सपांशन ऑफ द यूनिवर्स फॉर नियरली अ सेंचुरी सिंपल क्वेश्चन था वेरी इजी ओके चलिए अभी आते हैं पैरा जम्बल पर ये आपके पास पैरा जम्बल है इसमें देखिए चौथा वाला सेंटेंस जो है वो फिक्स्ड है इसको नहीं चेंज करना है ऊपर के तीन और नीचे के तीन क्या क्या होंगे ये आपको बताना है आपके डायरी में जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं सीक्वेंस बनाइए सीक्वेंस बना के हो गया तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होगा इसका सीक्वेंस दो मिनट का समय आपके पास

है ना झगड़े की शुरुआत हुई वॉर की शुरुआत हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विद इंडिया एंटरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन ईस्ट पाकिस्तान ऑन द साइड ऑफ बंगाली ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उनके साइड में इंडिया ने या उनके साथ मिलकर इंडिया ने फाइट किया इस पर्टिकुलर वॉर में फिर चौथा सेंटेंस आता है जो कि फिक्स्ड है इट वॉज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वॉर्स इन द हिस्ट्री लास्टिंग जस्ट थर्टीन डेज ये इतिहास का सबसे शॉर्टेस्ट वॉर्स में से एक था जो सिर्फ तेरह दिन तक चला

फिर उसके बाद आ जाएगा बी फोर्थ के बाद यहां पर पर ई ई आ आ गया था e के बाद हमारा जाएगा पैराग्राफ बी पे ये आ जाएगा बी so और लास्ट सेंटेंस दिस इवेंट मार्क फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और ये जो है वो नया नेशन बांग्लादेश जो है वो तैयार हो गया so यहां पर C -A -F, फोर ई बी डी फोर ई बी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है सिंपल इजी जंबल था और इसके ऊपर आपके पांचों के पांचों सेंटेंसेस सही बन सकते हैं पांच क्वेश्चन सही बन सकते हैं है ना सी एफ फोर ई बी डी बिल्कुल सही जा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया है वेल डन ऑल ऑफ यू ब्रिलियंट ठीक है समझ में आई बात क्लियर है सबको चलिए अभी आते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन के ऊपर जो कि इजी लेवल का रहेगा आपके आरबीआई आरबीआई असिस्टेंट वाली एग्जाम है परसों उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक क्वेश्चन तो आएगा सात से आठ क्वेश्चन के लिए एक आरसी आएगा उसमें भी दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स के होंगे हाईलाइट करके दिए जाएंगे ऐसे ही और आपको बताए बताना पड़ेगा सिनोनिम क्या है एंटोनिम क्या है और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी वन लाइनर वाले ही क्वेश्चन होंगे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिले, मिले, मिलेंगे आपको प्री लेवल का पेपर है इजी आएगा स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रीशन आने के चांसेस ज्यादा है फिर भी हम ये एक पैराग्राफ पढ़ते हैं लेकिन पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं है ना लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटलर्जी हाइलाइटेड इन द गिवन पैसेज तो ये बिना पैसेज पढ़े भी आंसर आ ही जाएगा मेटलर्जी का मतलब क्या होता है इसका आंसर देने के लिए पैसेज की जरूरत नहीं है आपको ठीक है फिर तो उसके बाद देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलैप्स हाइलाइटेड इन पैसेज कोलैप्स का मतलब क्या है इसका भी आंसर आप दे सकते हैं है, हाँ? स्पेलिंग देखिए एक्सपेंसिव नहीं है ई एन -E वाला भी एक्सपेंसिव होता है जिसका मतलब महंगा और एक्सपेंसिव ए एन सी ई वाला भी ए एन एस आई ई वाला भी एक्सपेंसिव होता है जिसका मतलब है, जो स्प्रेड हो जाता है फैलने वाला लेकिन उसके बारे में हम बाद में देखेंगे अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन है, है है, में Harappans ने इनमें से से कौन सी चीज़ नहीं की, है ना not आ गया है। तो तो ध्यान पढ़िएगा आप के अंदर, तो आपको इनमें से बताना है पैसेज पढ़ने के बाद इसका आंसर आ जाएगा एंड विच ऑफ सिटीज वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ये तो इसका भी आंसर आप बिना पैसेज पढ़े दे सकते हैं और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इसके लिए भी आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो जल्दी से पैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट से फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो एक बार जल्दी से पैसेज पढ़ लीजिए फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है जहां पर सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई क्रैडल यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है जन्म होता है अर्ली सिविलाइजेशन बहुत सारे नाम हैं क्वेश्चंस के अंदर ये सारे नाम भी पूछे जा सकते हैं है ना घग्गर हकरा रिवर बेसिन ढोलावीरा कालीबंगन राखी घड़ी लोथल ये सारे नाम याद रखिए ओके okay, डन hmm, बिल्कुल सही कहा चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहला सवाल है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटलर्जी तो कितना आसान है सबको पता है मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ मेटल्स ऑब्वियसली मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ मेटल्स नेक्स्ट कोलैप्स का मतलब क्या है पैसेज के मुताबिक डिस इंटीग्रेशन राइज स्वेल सक्सीड इंडस वैली सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया मतलब क्या हो गया टूट के बिखर गया खत्म हो गया तबाह हो गया बर्बाद हो गया मतलब क्या हो गया डिस इंटीग्रेट हो गया ए आंसर वन आंसर करेक्ट है बिल्कुल सही जवाब अगला वर्ड देखते हैं एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंसिव यहाँ पर हमारा तीसरा वर्ड क्या है एक्सपेंसिव जो पैसेज में आया था सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिविलाइजेशन इंडस वैली ही था एक्सपेंसिव का मतलब फैला हुआ जो सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ है जो सबसे ज्यादा बड़ा है एक्सपैंड हुआ है वो होता है एक्सपेंसिव तो इसका एंटोनिम पूछा है एंटोनिम क्या होगा जो लिमिटेड है जो एक छोटे से एरिया तक सीमित है लिमिटेड है नॉट स्प्रेडिंग क्योंकि बाकी देखिए स्पेशियस यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस वाला फैला हुआ सिनोनिम बनेगा स्वीपिंग फैला फैला हुआ extensive फैला हुआ एक्सटेंसिव सारे सिनोनिम्स बनते हैं और हमें एंटोनिम चाहिए जो कि आएगा लिमिटेड के साथ लिमिटेड इज द राइट आंसर लिमिटेड इज द राइट आंसर है ना विच ऑफ द फॉलोइंग दर नॉट प्रोड्यूस्ड बाई हरपन्स कॉपर ब्रॉन्स लेड टिन क्या होगा आंसर

कौन सी सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पार्ट थी हरप्पा बिकॉज सेलोन इज द ओल्ड नेम फॉर श्रीलंका श्रीलंका जो है उसका पुराना नाम सेलोन स्पार्टा hmm? ये ग्रीस में एंशियंट uh, ग्रीस uh, का पार्ट है रोम एंशियंट इटालियन आज की आज भी इटली की कैपिटल रोम ही है बट इटालियन हिस्ट्री से आता है और हरप्पा यहाँ पर आपका सही जवाब आएगा ठीक है

इंग्लिश में आराम से तीस में से तीस बनाओगे बस अच्छे से सारे ऑप्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़िए नॉट वाला क्वेश्चन खास तौर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज उसमें गड़बड़ हो सकती है एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस में पूरा सेंटेंस पढ़िए अच्छे से दो बार तीन बार बिफोर फाइनलाइजिंग योर आंसर क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में गलतियाँ हो सकती है जो भी मार्क्स आपके जा सकते हैं या पोटेंशियली गलत हो सकते हैं वो आपके सेली मिस्टेक के वजह से ही होंगे नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्योंकि पेपर इजी रहेगा और इतना आसान पेपर में भी अगर आपने दो तीन मार्क्स गवा दिए बिकॉज ऑफ योर सिली मिस्टेक्स देन सिलेक्शन आपका रुक जाएगा मेंस की बात अलग है मेंस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का ही आता है लेकिन प्री में तीस में से तीस सबके बनने चाहिए इट इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग योर फोकस मेंटेनिंग योर कामनेस लॉजिक यूज करना एंड को अवॉइड करना ठीक है कल भी हमारी एक और प्रैक्टिस क्लास होगी टुमारो वी हैव अ सेशन सेम टाइम पर बारह बजे मिलेंगे ऐसे ही एक और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ताकि आपके सैटरडे संडे के जो पेपर्स हैं आर असिस्टेंट की जो एग्जाम है वो अच्छे से आपकी हो जाए ठीक है सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टूडे टेलीग्राम पर जो लोग नहीं जुड़े हैं ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम दिस इज माई टेलीग्राम आई डी क्यू आर कोड से आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंग्लिश विद कौस्तुभ सर ऐसे सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में जिन्होंने इनरोल नहीं किया है एनरोल कर लीजिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और इनरोल करते समय इस कूपन कोड का इस्तेमाल करें के ए यू एस टी यू बी एच दिस इज़ माई कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा बैंक सुपर पैक में इनरोल कर लीजिए ताकि अगले साल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं न्यू स्टूडेंट हैं नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा है ना सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलते हैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके सारे बैंकिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके चलिए सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम साइड टेक केयर मिलते हैं कल अ गुड डे